नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द्रव्य गुण आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काढ़े के बारे में, क्योंकि आजकल हर घर में काढ़ा बन रहा है। तो क्या आप काढ़ा सही बना रहे हैं? तो इसलिए आज हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में काढ़ा बनाने का सही तरीका क्या है, मतलब कितना आपको पानी लेना है, कितना उसको बॉयल करना है, कैसा आपको चूर्ण लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल ये काढ़ा मैं भी रोज़ ले रही हूँ और आप भी रोज़ लेते होंगी, और नहीं ले रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, आपको रोज़ लेना चाहिए। काढ़े की जो रेसिपी है उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो होती है वो इंग्रेडिएंट्स। हम जो भी इंग्रेडिएंट्स लेते हैं काढ़े के लिए, चाहे वो ड्राई हो या फिर वो फ्रेश हो, जैसे ये जो है गिलोय है, गिलोय हम फ्रेश लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल दरदरा कूटना है। कभी भी काढ़ा जो है ना उसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना होता, उसको कोर्स पेस्ट हमें करना होता है, या कोर्स चूर्ण आपको लेना होता है। मतलब जब अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनको भी आपको दरदरा सा कूटना होता है, इस तरीके का। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि यवकुट चूर्ण, मतलब जो के आकार का चूर्ण बना लेना है आपको। तो इस तरीके से ये कोर्स पाउडर आपको करना है। तो जैसे मुलेठी वगैरह अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, काली मिर्च, लौंग है, तो उनको आपको बिल्कुल दरदरा सा कूटना होता है, इस तरीके से। इसके बाद अगर आप कूटने के लिए मिक्सी की बजाय जो खरल होता है उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहता है। उसके लिए आप इस तरीके का लोहे का खरल या फिर इस तरीके से पत्थर का जो खरल होता है वो ले सकते हैं, ये ज़्यादा सही होता है। बजाय मिक्सी के आप इनका यूज़ करें, क्योंकि जब अगर हमने फाइन पाउडर यूज़ किया है तो वो जब हम काढ़े को छानेंगे तो उसके साथ आ जाते हैं उसके कुछ पार्टिकल्स, जो कि हमें नहीं चाहिए होते। इसलिए काढ़ा हमें दरदरा पाउडर बना करके बनाना चाहिए, ताकि जब भी हम काढ़े को छानें तो उसमें बिल्कुल भी हमारे ड्रग्स के या जो द्रव्य हम यूज़ कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स नहीं आए। दूसरी चीज़ होती है, कुछ लोग बताते हैं कि काढ़े को आपको ढककर पकाना चाहिए। जी नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको काढ़े को ढककर कभी नहीं पकाना चाहिए। काढ़े को आपको खुले में पकाना होता है, मतलब बिना ढके हुए ओपन करके आपको छोड़ देना है, ताकि वो काढ़ा जो है ना उसकी भाप बाहर निकलती रहे। अगर भाप अंदर रह गई तो काढ़ा अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर काढ़े को ढककर पकाया तो काढ़ा दुर्जर हो जाता है, मतलब आसानी से नहीं पचता है, वो पचने में कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको काढ़े को कभी भी ढककर नहीं पकाना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि काढ़ा बनाते समय आपको पानी कितना लेना चाहिए। तो उसके लिए कुछ आचार्यों ने अलग अलग कहा है। जैसे आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उसके लिए 4 गुना, ज़्यादा कठोर द्रव्य हैं तो उसके लिए 8 गुना, 16 गुना, ऐसे पानी बताया गया है। लेकिन कम से कम आपको 4 गुना पानी लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी एक ग्लास का मेज़रमेंट ले लें, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उससे 4 गुना पानी ऐड करें, और उसके बाद में 1/4 रहने तक, मतलब एक ग्लास बचने तक आपको उसे पकाना है। और अगर आप 4 ग्लास भी नहीं ले पाते हैं, आपको इतना टाइम नहीं होता या आप जल्दी में होते हैं, तो आप 2 ग्लास तो कम से कम लीजिए, मतलब 2 गुना पानी तो आपको कम से कम लेना ही चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि काढ़ा बनाओ, बॉईल करो, 1-2 बॉईल आने पर छान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका एक्सट्रैक्ट पानी में आने में समय लगता है, तो उसके लिए आप उसे प्रॉपर टाइम दीजिए। तो इसलिए कम से कम आधा रहने तक आप उसे पकाएं, नहीं तो अगर आपके पास फ्यूल और टाइम दोनों हैं तो आप उसे 1/4 रहने तक पकाएं, उससे उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेम के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं फुल फ्लेम पे करके छोड़ दो, 5-10 मिनट उबल जाए उसके बाद छान लो। जी नहीं, आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए, मंदाग्नि पर इसका पाक होना चाहिए, मतलब लो फ्लेम पर आपको काढ़े को पकाना है। और एक बार जब आपने काढ़ा बना लिया और उसे छान लिया तो उसे दोबारा ना पकाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब काढ़ा आप उसे बार बार नहीं पकाएं, या फिर एक बार ठंडा हो गया तो दोबारा उसे नहीं पकाना है, एक बार में ही उसे कंज्यूम करना है। और एक बात बता दूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, कि कुछ लोग जो हैं वो काढ़े के लिए बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आप जितना चाहो ले सकते हो। तो मैं बता दूं, आयुर्वेद एक पूरा चिकित्सा शास्त्र है और उसे किसी की निगरानी में रहते हुए ही लें। जो आयुर्वेद में कहा गया है उसे फॉलो करें, उससे ज़्यादा आप ना करें। तो आयुर्वेद में क्वाथ की जो मात्रा है, मतलब काढ़े की जो मात्रा है, वो 96 ml के लगभग बताई है। तो अतः आप जो टी कप होता है जो अपना नॉर्मली जो घर में अपन यूज़ करते हैं, उससे भी थोड़ा कम लीजिए। और अगर आप रेगुलर ले रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के,
तो उससे आधा कप लगभग आप लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, खांसी जुकाम है, बुखार है, तो आप एक कप लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम आप 2 टाइम्स लीजिए, इससे ज़्यादा आपको क्वाथ नहीं लेना है। जो काढ़ा हम कोल्ड और कफ़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम दालचीनी, काली मिर्च जैसे द्रव्य यूज कर रहे हैं, जो कि उष्ण होते हैं यानी गर्म तासीर वाले होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अधिक मात्रा में अच्छे नहीं होते क्योंकि वो उष्ण होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ओवरडोज जो है उससे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपकी बॉडी पर, जैसे नोज ब्लीडिंग है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इनका ओवरडोज लेने से बचें, जो मात्रा आयुर्वेद में कही गई है उसी के अनुसार लें। तो ये थी वो चीज़ें जो काढ़े के बारे में आप सबको नहीं पता है लेकिन पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।